महात्मा गांधी पुरस्कार समारोह के शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर जी और हिंदी विभाग के अन्य अध्यापक गण, छात्र मित्रों को मेरा प्रणाम। बंधुओं, इस प्रकार प्रशस्ति आ जाने से मुझे 15 दिन में गुरुकुल तिलक प्रशस्ति 10 दिन पहले मिला है, 2 दिन पहले विद्याभूषण प्रशस्ति और ये महात्मा गांधी प्रशस्ति। ऐसे प्रशस्ति मिलने से जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लोग हमें एक अलग दृष्टि से देखते हैं। आप लोगों ने मुझे महात्मा गांधी अवार्ड दिया तो मेरे दिमाग में महात्मा गांधी के सारे आदर्श अंदर आ गए, जैसे सत्य अहिंसा धर्म, उनके जो कई आंदोलन, कई उच्च विचार जो मेरे दिमाग में मुझे मिला है, तो मुझे महात्मा गांधी के आदर्शों को पालन करना है, ऐसे विचार मेरे अंदर आ गए। और आप लोगों को मेरा एक सुझाव है, आप हिंदी विभाग के छात्र हैं, अध्यापक हैं, आप अच्छे संस्कार को आपको अपनाना है। संस्कार पर ही हमारा भविष्य निर्माण ही निर्मित होता है। एक उदाहरण भी देता हूं, पानी, पानी को अच्छा संस्कार मिलने के कारण वो तीर्थ बनता है। पत्थर, पत्थर को अच्छे संस्कार मिलने के कारण, लकड़ी को अच्छा संस्कार मिलने के कारण वो शिला के रूप में प्रदर्शन होता है। वैसे ही दूध को अच्छे संस्कार मिलने के कारण वो दही, मक्खन, घी आदि के रूप में वो प्रदर्शन होता है। इस प्रकार आप बेंगलुरु प्रतिष्ठित बेंगलुरु विश्वविद्यालय में आप पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले आप लोग भाग्यशाली हैं। आप अच्छे संस्कारों को लेकर और भाई डॉक्टर शेखर जी के हाथ बढ़ाना है, हाथ बढ़ाते हुए बेंगलुरु विश्वविद्यालय के आदर्श छात्र, माता पिता के अच्छे पुत्र और भारत देश के अच्छे नागरिक बनकर अपने जीवन के भविष्य को उज्ज्वल करना है, यही आशा प्रकट।